नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और हमारे साथ है बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही। हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं। सर, झारखंड की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म नज़र आ रही है। अगर कल की बात करेंगे तो कल जिस तरीके से इरफान अंसारी और सब बंगाल में पकड़े गए थे कई सारे पैसों के साथ, तीन विधायक कांग्रेस के, उसको आप किस रूप से देखते हैं सर? देखिए, मैं इसको कांग्रेस के अंतर्कलह, झारखंड सरकार जो बनी है उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में हुए क्रॉस वोटिंग का बदला के रूप में देखता हूं। चूंकि झारखंड में सरकार इनकी है, बंगाल में सरकार इनकी है, दोनों जगह के पुलिस इनके हैं, विधायक इनके हैं, कंप्लेन करने वाले भी विधायक इनके हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि पैसा भी कहीं ना कहीं पिंटू और हेमंत सोरेन जी का ही है। सर, अगर हम बात करेंगे, लगातार जिस तरीके से कार्रवाई कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायकों पर किया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है उन्हें, तो वो किस हद तक सही नज़र आ रहा है? देखिए, ये कांग्रेस तो शुरू से ही अंतरकला से जूझती हुई पार्टी है। आप देखते होंगे कि कांग्रेस में जब भी प्रभारी आते हैं, बैठक होता है, तो आपस में मारपीट होता है। वहाँ स्वागत फूल माला से नहीं होता है, कार्यकर्ताओं के धक्कम धुका मुक्का मुक्की से होता है। तो ये कांग्रेस का चरित्र है। अब कांग्रेस अपना चरित्र को ढकने के लिए तीन लोगों को बलि का बकरा बनाने का काम। हमारे आलमगीर आलम साहब बहुत सयाने आदमी है, कब किसका कद छोटा करना है। अब अल्पसंख्यक समाज में इरफान अंसारी का कद बढ़ रहा था, ऐसा अच्छा से उन्होंने काटा है कि अब इकलौते अल्पसंख्यक समाज के नेता हमारे आलमगीर आलम साहब। क्रिश्चियन कम्युनिटी में आपका इनका कद अच्छा बढ़ रहा था, बिकसल कोंगाड़ी जी का, बंधु जी से उनकी पटती नहीं थी, अच्छा तरीका से उनका गर्दन राजनीतिक रूप से काटने का काम। राजेश कच्छप जी का आदिवासी समाज में अच्छी पकड़ हो रही थी और बहुत सारे आदिवासी नेता नाराज थे उनसे, उनका अच्छे तरीका से गर्दन जो है कलम करने का काम यह कांग्रेस पार्टी ने किया। सर, कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि बीजेपी के द्वारा खरीदा जा रहा है, जो खरीद रहे हैं उनको भी पकड़ने की जरूरत है, उन पर भी जांच जरूर होनी चाहिए। वही बात तो हम लोग भी बोल रहे हैं, अगर इसमें बीजेपी इन्वॉल्व है, आप केंद्रीय जांच एजेंसी का, चूंकि दो स्टेट का मामला है, बंगाल का और झारखंड का, दोनों अपने अपने तरीके से इंक्वायरी करेंगे। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कौन कर सकता है? तो सीबीआई कर सकता है। आप इस केस को सीबीआई को दे दीजिए, इस केस को ईडी का दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ममता जी भी फंसेंगी और हेमंत जी भी फंसेंगे और कांग्रेस के साजिश करने वाले मंत्री लोग भी फंसेंगे। सर, उनका कहना है कि बीजेपी की चूंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके स्पष्ट जांच नहीं हो पाएगी, क्लियर जांच नहीं होगी। ये सदुपयोग है क्या? बंगाल में जहां तक हम लोगों की जानकारी है, तीनों विधायक को बॉन्ड भर के छोड़ने की तैयारी हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ जीरो FIR किया जाता है और फिर से उन लोगों को जेल भेजा जाता है। तो ये आपने पुलिस का दुरुपयोग किया या नहीं किया? थोड़ा हम लोगों को भी अपना सेंस बढ़ाना होगा, समझदारी बढ़ानी होगी कि किस तरह से घटनाक्रम यहाँ बदले। पैसा पहले पकड़ा जाता है, FIR बाद में होता है कि हमको इतना का ऑफर दिया जा रहा था। पहले FIR कर चुके होते और उसके बाद पैसा पकड़ा जाता तो आपके बात के प्रमाणिकता होती। लेकिन इसी से पता चलता है कि ये सारे साजिश है और जानबूझ करके उन लोगों को फंसा करके जेल में भेजा। तो स्पष्ट रूप से भानु प्रताप शाही ने कहा है कि अगर ये पूरी तरीके से दोनों सरकारों ने मिल करके इरफान अंसारी और बाकी दोनों विधायकों को फंसाने का काम किया है, और इनके ओर से स्पष्ट कहा गया है कि अगर निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो सीबीआई और ईडी को दे सकते हैं जांच करने के लिए। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।